गुड आफ्टरनून क्लास, आज हम सभी लोग पोएम पढ़ेंगे द विवेक सॉन्ग। दिस वंडरफुल पोएम इज कंपोज बाय सरोजनी नायडू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन 13 February 1879 इन हैदराबाद इंडिया। सी कंपेल हर एजुकेशन इन चेन्नई लंदन एंड द फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सी वॉज ए पोएट फेमिनिस्ट एंड पॉलिटिशियन। सी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश इन 1905। इन 1925 नायडू प्रेसाइड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी डाइड ऑन 2 March 1949 इन द 17 ईयर्स इन लखनऊ। चिल्ड्रन यू नो दैट सरोजनी नायडू इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड ही द वेल नोन पोएट्रेस ऑफ द टाइम। द पोएम द विलेज सॉन्ग इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन एन इंडियन मदर एंड हर डॉटर। ये पोएम जो है एक भारत की माँ है और एक उसकी बेटी है, उन दोनों के बीच में जो संवाद है, जो वार्तालाप हुआ है, उसको लेकर के लिखी गई है। इट इज़ द वॉइस ऑफ मदर प्लीडिंग फॉर हर डॉटर टू वेट फॉर हर ब्रदर टू अराइव एंड द। ये माँ जो है अपनी बेटी को आदेश देती है, उसको समझाती है कि जब तक बच्ची की शादी तय हो गई है और वो जो है कहती है कि अपने मंगेतर के आने तक जो है तुम रुक करके उसका इंतज़ार करो। और बच्ची जो है अपनी माँ की हर बात को सुनती है। फॉर हर ब्रदर टू अराइव एंड द वॉइस ऑफ द डॉटर हु विशेस टू रन ऑफ टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन इन चाइल्ड। और बच्ची जो है वो कहती है मुझे नहीं रुकना है, मुझे जंगल में भाग कर जाना है, मुझे इस सांसारिक जीवन को नहीं बिताना है, मैं पूरे जीवन भर एक बच्ची बन करके रहना चाहती हूँ। और अपनी माँ से वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे खुले जंगल में भाग करके जाने दो, मुझे जंगलों में जा करके छिप जाने दो, मुझे इस तरह के सांसारिक जीवन में नहीं बढ़ना है। तो कुछ इस तरह के वक्तव्य को लेकर के इस कविता को नायडू जी ने लिखा है। हनी चाइल्ड वाइडर आर यू वे। कवित्री जी कहती हैं हनी मीन्स होगा मीठा, मीठे से मतलब प्यारी बच्ची है। कहती है एक माँ अपनी बेटी को बुला रही, कहती बेटा इधर आओ, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजिंग ग्लोइंग। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, तुमने इतने सारे ज्वेल माने गहने, इतने सारे आभूषण पहन रखे हैं, ऑल टू ब्रीज ग्लोइंग, और इतनी सुंदर हवा चल रही है, तुम इस सुखद वातावरण को छोड़ करके कहाँ जा रही हो। वुड यू लीव द मदर होम मदर ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैड फेड यू। और फिर माँ कहती है बेटा क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ करके चली जाओगी, जिस माँ ने फूम ऑन गोल्डन ग्रेन हैड फेड यू, जिस माँ ने आपको अनाज के दाने खिला करके बड़ा किया है, आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, क्या उस माँ की बात को भी नहीं सुनेंगी और उसे छोड़ करके चली जाएंगी। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग थ्रू टू वेड यू। क्या आप अपने उस लवर को, उस प्रेमी को, उस मंगेतर को भी छोड़ के जा रही हो जो कि घोड़े पर सवार होकर के तुम्हारे शादी के लिए, तुम्हारे विवाह के लिए आ रहा है, और ऐसे में तुम हम सभी को छोड़ करके घने जंगलों के बीच में कहाँ जाना चाह रही हो। माँ जो है अपनी बेटी से बार बार ये प्रश्न करती है। तो बेटी जो है अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर देती है, कहती मदर माइंड द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। बच्ची जो है उसे लगता है कि संसार जो है बिल्कुल धीरे से बेकार है, यहाँ पर रहना जो है व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। और वो कहती है मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। कहती है माँ मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोस, जहाँ पर चंपा जैसे फूलों की सुगंधित डालियाँ खिली हुई हैं, और द चंपा बर्ड्स आर ग्लोइंग, चंपा की कलियाँ भी और खिल रही हैं। द
थ्रू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजस, और जहाँ पर कोयल जो है अपने मधुर गीत में सबका स्वागत कर रही है, वेयर लोटस लिलीज लिसन, और जहाँ पर कमल और कुमुदिनी जैसे सुंदर फूल जो है खिले हुए हैं, लोगों के मन को आकर्षित कर रहे हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग इन पोजिशन, ठीक है जी, हे माँ आप भी सुनिए ध्यान से। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक, परियों की आवाज़ जो है मेरे कानों में सुनाई दे रही है, परियां मुझे बुला रही हैं कि तुम इस संसार को छोड़ करके आ जाओ। ये संसार बहुत ही डल है, बोरिंग है, नीरस है, यहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, इसको छोड़ करके तुम मेरे देश में आ जाओ। और ये आवाज़ मेरे कानों में बार बार जा रही है, इसलिए मैं आपके बातों को सुन करके भी अनसुना करके मैं जंगल की तरफ जाना चाहती हूँ। तो इस तरह से बच्ची जो है अपनी माँ की बात को भी अवॉइड कर रही है और जंगल में आगे जाने का प्रयास करती है। हनी चाइल्ड द वर्ड इन पुना प्लीजर, अम्मा जो है बच्ची को फुसलाती है, कहती तुम ऐसा मत करो, ये संसार तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आकर्षण चीज़ें हैं जिसको देख करके मनुष्य इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो माँ कहती है प्यारी बच्ची ये संसार तो खुशियों से भरा हुआ है, आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स एंड सैंडल साइंटिस्ट लेजर, यहाँ पर जो है तरह तरह के गीत होते हैं, कभी व्यक्ति का शादी विवाह होता है, कभी बच्चे पैदा होते हैं, और कभी जो है और तरह तरह के उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं, व्यक्ति हर तरह से सुखद क्षणों की अनुभूति करता है। यो वर्डियल रॉक्स आर इन बलून, कहती है कि बेटी तुम्हारे शादी में पहनने के लिए जो जोड़ा है वो अभी बना करके खरीद करके रखा गया है, सिल्वर एंड सैफन ग्लोइंग, वह चांदी और केसरिया रंग में चमक रहा है। योर वर्डियल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे जो शादी में जो केक बना हुआ है, जो तरह तरह की मिठाइयाँ बनी रही हैं बनाई जा रही हैं, वो भट्टी पर अभी चढ़ी हुई हैं, यानी भट्टी में तैयार हो रही हैं मिठाइयाँ, तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी हो रही है, वो वाइडर आर यू गोइंग, कहती है बेटी तुम कहाँ जा रहे हो, था इस तरह की सारी तैयारियों के वातावरण में सब को छोड़ करके तुम इस संसार को इतना वीराना और इतना नीरस क्यों समझ रही हो, यहाँ से क्यों जाना चाह रही हो। माँ जो है अपनी बेटी से बार बार यही प्रश्न करती है, और अंतिम पंक्तियों में बेटी जो है फिर अपनी माँ से कहती है द वर्डियल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड गाइडेंस ऑफ सारो, कहती है हे माँ ये जो शादी का गीत होता है और जो तरह तरह के जो उत्सव होते हैं, जो ताल और बद्ध ढंग से गीत को गाया जाता है, ये क्या है, गाइडेंस ऑफ सारो, ये हमारे हृदय में केवल दुख को उत्पन्न करते हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे द विंड ऑफ द डेथ मारो, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीट्स आर फेलिंग ओ मदर माइंड आई कैन नॉट स्टिल द फेरी फॉक आर कॉलिंग, बच्ची कहती है माँ ये संसार जो है बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर आज जो हमारे विवाह के लिए जो गीत गाए जा रहे हैं हैव कैडेंस ऑफ सारो, वही कल को हमारे यहाँ शोक गीत भी होगा, दुखद गीत भी गाया जाएगा। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, आज जो सूर्य की तेज रोशनी में हंसता हुआ नजर आता है, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, कल यहाँ पर मृत्यु की हवा भी चलेगी और लोगों को दुखी बना देगी। हाँ पार्ट सीटर साउंड फॉरेस्ट नोट्स, और ये जंगल के नोट्स जो हैं कितने मधुर सुनाई दे रहे हैं, आज फेलिंग ओ मदर माई नाइट कैन नॉट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग, इसलिए बच्ची कहती है कि हे माँ मैं आपकी बातों को नहीं मानने वाली हूँ, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और मैं अब जंगल के उस सुहावने दृश्य को देखने के लिए इस डल और बोरिंग वर्ल्ड को छोड़ करके उस संसार में उस जंगल में जाना चाहती हूँ जहाँ पर नेचुरल थिंग्स हैं और जहाँ की नेचुरलिटी को देख करके सभी लोग आकर्षित होकर के उधर चले आते हैं, इसलिए मैं इस संसार को डल मान करके आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। और इस तरह से बच्ची जो है अपनी माँ की बात को अवॉइड करके इस संसार को छोड़ करके घने जंगलों के बीच में चली जाती है। थैंक्स।